झंडा लहराता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो गाइस चेक करो, कुछ ऐसी रोड है यहाँ पर, सिंगल वे रोड है। एक बारी स्पीड चेक करो क्योंकि भाई रोड हो गई है साफ, यहाँ से बिल्कुल साफ रोड है और आगे वाली गाड़ी के साथ रेस लगाई है। तो गाइस श्री रघुनाथ जी टेम्पल सुचेतगढ़ आरएसपुरा, इस एरिया का नाम सुचेतगढ़ है। इस एरिया में होती है परेड, ये लगी है कुर्सियाँ, यहाँ पर लोग बैठ के परेड का आनंद लेते हैं। देख लो एक बारी, 11 किलोमीटर सियालकोट है और लाहौर यहाँ से 141 किलोमीटर है। करो यहाँ पे लिखा है प्राउड टू बी एन इंडियन और इंडिया का झंडा है। दूसरे ही साइड लिखा हुआ है मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहाँ हमारा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब, होप सब बढ़िया होगे और वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आज इंडिपेंडेंस डे है तो हम जा रहे हैं बॉर्डर झंडा चढ़ते हुए देखने के लिए। बाकी हो सके तो हम खुद भी चढ़ाएंगे, वीआईपी से कम नहीं है भाई। बाकी निकलते हैं घर से। गोली भाई को चेक करो, क्या हाल है? ठीक है, तो चेक कर लो भाई, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, आज आया हूँ मासी के घर। तो गोली हमें मिला है यहाँ पर, गोली मासी का लड़का है मेरे ही। तो चलो चलते हैं यहाँ से और गोली भी हमारे साथ जाएगा। बाकी और कौन जाएगा हमारे साथ ना, बताता हूँ मैं आपको। ये चेक करो, ये कौन है, ए सी भी चलाना, ये कौन है, हैवी ड्राइवर हमारा। हाँ राहुल भाई, ठीक है, कहाँ जा रहे हो आज? 15 अगस्त का व्लॉग बनाने, हमारी रैली भी होगी, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलो निकलते हैं यहाँ से जल्दी ना, तो बाकी मिलते हैं आपसे ना, कहाँ पहुँच के, बॉर्डर पहुँच के। फ्रेंड्स अभी मैं था आरएसपुरा में और आरएसपुरा से जो बॉर्डर का डिस्टेंस है वो है टोटल 10-12 किलोमीटर्स का। अगर आप मेन जम्मू से आ रहे हो, जैसे सतवारी चौक से आ रहे हो, तो वो आपको 25-28 तक पड़ेगा, 25-28 किलोमीटर्स। तो दूर है थोड़ा इसको भी, और जो आरएसपुरा से आगे की रोड है ना 10 किलोमीटर की, वो थोड़ी अच्छी भी नहीं है, मतलब टूटी फूटी रोड है। कहीं कहीं जगह आपको प्लेन मिलेगी, कहीं कहीं जगह समझ लो हौज पहुँचे, बम्प से अप डाउन से, तो समझ लो भाई वैसी मिलेगी। बाकी हम निकल गए यहाँ से और राहुल भाई कितना टाइम लगेगा बताओ आप? आराम से जाएंगे तो 15 मिनट। आप तो फाइटर हो, लेकिन रोड बेकार है ना, हमारी गाड़ी गंदी हो जाएगी। अभी अभी धोई है गाड़ी भी, तो भी 15 मिनट लेके चलो, 15 मिनट तक पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो गाइस चेक करो, कुछ ऐसी रोड है यहाँ पर, सिंगल वे रोड है और डबल की क्रॉसिंग करनी है तो भाई साइड में लगानी पड़ जाती है गाड़ी। फिर ये देखो, ये ना इस साइड में सारी जगह, इस साइड भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी थोड़ी देर में दोनों यहाँ से भी बनेगी वहाँ से भी बनेगी, तो रोड लंबी हो जाएगी। बट अभी तो भाई जो मेन रोड बनी है ना वो सिंगल ही है, तो कोई बात नहीं। क्या होता, कह रहा है कोहली भाई, कह रहा आगे ठीक होगी, स्टार्टिंग में पंगा थोड़ा, चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई, कोहली भाई की बात सच होती है। नहीं चेक करो, ओल्ड वाइब्स भाई, नेक्स्ट लेवल है ये गाने में, फिदा मजा आ रहा है, चेक करो ये रोड अब बिल्कुल भाई साफ हो गई है, यहाँ से डबल लेन आ गई है। तो 1-2 किलोमीटर की जो रोड है वो नॉर्मल है, मतलब खराब मिलेगी आपको, उसके बाद आपको एक बार स्पीड चेक करो क्योंकि भाई रोड हो गई है साफ, यहाँ से बिल्कुल साफ रोड है और आगे वाली गाड़ी के साथ रेस लगाई है। 120 आगे वाली गाड़ी भाई 140 चल रही है क्योंकि वो भी अपनी है भाई। 140 ओ भाई आराम से झटका लगा भाई, खतरनाक भाई, ज्यादा इतना नहीं चलाना, आराम चलाओ। वो भाई 140 जा रही है भाई, मैं टेस्ट करूंगा, टेस्ट राइड लूंगा भाई उसकी, जो मर्जी हो जाए। अभी या तो सौरभ को बोलता हूँ भाई टेस्ट राइड लेनी है उसकी। तो बाकी भाई ये रोड चेक करो, ये रोड बिल्कुल प्लेन हो गई है, यहाँ पर 2 लेन आ गई है अब। तो स्टार्टिंग में 1-1.5 किलोमीटर आपको थोड़ी ना मतलब कच्ची रोड मिलेगी, उसके बाद बिल्कुल भाई नेक्स्ट लेवल है, यहाँ पर आप 120-140 चला सकते हो। पहले ये रोड नहीं भाई, एसी चल रही है भाई, गाड़ी नेक्स्ट लेवल है, मैंने उसकी टेस्ट राइड लेनी है भाई अभी ना, वहाँ चलते हैं और उससे बात करते हैं टेस्ट राइड की। गाइस हम पहुंच चुके हैं, पहले हम जाएंगे 140 मंदिर जाएंगे, उसके बाद ये सामने हमारा बॉर्डर है यहाँ पर जाएंगे। ये चेक करो बॉर्डर, यहाँ से एंट्री। गाइस अभी गाड़ी के आगे बंदा आ गया था, वो जाना था गाइस, बंदा तो आया ना था, चला कितने की स्पीड में था ये तो बता, 140 ऑल्टो विदाउट एसी इनफिनिटी। फ्लाइंग कार बन गई, फ्लाइंग कार। अब मैं बोलूं थोड़ा, तो भाई ये है यहाँ से एंट्री पॉइंट, यहीं से अंदर जाना है हमें। और आईडी प्रूफ मांगते हैं कुछ भी, आपके पास आधार कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी दे सकते हो, और अंदर एंट्री मिल जाती है आपको। तो मैं तो लाया हूँ भाई, पर्स लाता हूँ हर बारी, कैरी करता हूँ, तो उसमें पड़ा हुआ था आधार कार्ड,
तो बाकी उन्हें किसी ने नहीं लाया, मेरे पास था तो वही याद आ गया। तो कोई बात नहीं, करते हैं एंट्री थोड़ी देर में, पहले मंदिर में माथा टेकेंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। ये चक्कर हो गया, यहाँ पर मंदिर भी है पीछे, तो पहले मंदिर चलते हैं फिर बाद की बात में देखते हैं। तो गाइस श्री रघुनाथ जी टेम्पल सुचेतगढ़ आरसपुरा, इस एरिया का नाम सुचेतगढ़ है और आगे है टेम्पल। चल रहे हैं सारे, हम भी चल रहे हैं धीरे धीरे। चलो मत्था देखते हैं फिर मिलते हैं आपसे ना। आईडी है मेरे पास, चलो गाइस यहाँ से एंट्री होती है, पर अंदर मेरे ख्याल से वीडियोज़ बनाना अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक बनेगी मैं बनाऊँगा और आपको व्यू दिखाऊँगा। बाकी निकलते हैं यहाँ से, ये सामने लिखा है टाइम 10:00 से 5:45 तक है, तो जिसको आना है इस टाइम के अंदर ही आना। चलो भाई यहाँ से झंडा लहराता हुआ कितना अच्छा लग रहा है गाइस। ये भाई पीछे हमने एंट्री वगैरह करा ली है और वही जो अपनी आईडी होती है वो दिखाई, उसके बाद ही एंट्री मिली है। आज सबकी जो आईडी है वो मैंडेटरी है, ऐसे एक आधा बंदे के पास हो तो एक बंदे के पास अलाउड कर देते हैं, बट आज अलाउड नहीं कर रहे थे। जिस एरिया में होती है परेड, ये लगी हैं कुर्सियाँ, यहाँ पर लोग बैठ के परेड का आनंद लेते हैं और ऊपर झंडा चेक करो। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं, जब तक बन रही है तब तक बना रहे हैं भाई। आज ये चेक करो यहाँ पर गेट जो बना हुआ है ना, वो तिरंगे का बना हुआ है। बाकी यहीं से ये मेन गेट है, यहीं से एंट्री है आगे। और पार्क पूर्क भी है बैठने के लिए, एंजॉय करो, फोटो वगैरह खिंचाओ, व्यू तगड़ा है आज। वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है, चेक करो एक बारी, चेक करो। अगर आपको यहाँ से सियालकोट और लाहौर जाना है तो डिस्टेंस पता देख लो एक बारी, 11 किलोमीटर सियालकोट है और लाहौर यहाँ से 141 किलोमीटर है। ये चेक करो गाइस, गेट क्रॉस करके हम अंदर आ गए। ये यहाँ पर पूरी बैरिंग वगैरह लगी हुई है, बस वो जो सामने वाला गेट है ना आगे, उसके आगे पाकिस्तान का बॉर्डर है। और ये भाई हरियाली चेक करो ना यहाँ की, इस जगह की मेरे को यही चीज़ अच्छी लगती है, काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं और हरियाली है, ग्रीनरी है। ये देखो खेती खेते हैं भाई आगे पीछे ना, मज़ा आता है ऐसी जगह में मुझे रहने का। स्पेशली जब मैं अभी थोड़ी देर पहले मचेल भी गया था, तो मेरे को भाई वहाँ की एटमॉस्फेयर और हर एक चीज़ ना, मतलब ग्रीनरी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी लगी, और मेरा मन वापस आने का नहीं था, सीरियसली बता रहा हूँ। बाकी जिसने मचेल यात्रा का व्लॉग नहीं देखा, जाके ज़रूर देखना। चैनल पे बने रहो, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम हम इन्हें भी ले जाएंगे मचेल माता, अभी ये हरिद्वार जाने का प्लान बना रहे ना, ये मासी है मेरे, ये बुआ मेरी मम्मी की, ये तो भी इतनी फिट एंड फाइन है। बाकी लोग आए हुए हैं भाई आज भी ना, परेड वगैरह देखने भी और बॉर्डर भी देखने। हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते भाई, ये लास्ट गेट है, यहीं पर खड़े होके आगे पाकिस्तान के लोगों को देखो, कुछ मिलेगा भी देखने को नहीं मिलेगा, बस यही है यहाँ पर बॉर्डर में, तो यही होता है भाई। पिछाड़ू ना वो चेक करो भाई, पाकिस्तान का गेट चेक करो, दिख रहा है सामने, वो भी खुला हुआ है, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। एक ही आया है, यहाँ से आगे की एंट्री ना, ये गेट है, यहाँ से आगे की एंट्री अलाउड नहीं है। यहीं पे खड़े होके बना रहा हूँ, ये चेक करो, यहाँ पे लिखा है प्राउड टू बी एन इंडियन और इंडिया का झंडा है। दूसरे ही साइड लिखा हुआ है मुस्लिम है हम, वतन है सारा, जहाँ हमारा हो तेरी, खतरनाक। पीछे रही अपनी SUV 300, तो जैसे कि मैंने कहा था कि इसकी टेस्ट राइड लूँगा, तो भाई अभी लेते हैं सबसे पहले इसकी टेस्ट राइड, फिर आपसे बात करते हैं और भाई चेक करते हैं टॉप एंड ना थोड़ा, कितनी जाती है कितनी खींचती है। तो गाइस चलाना स्टार्ट कर दी है, SUV चला के आ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। पहले गियर में भाई 40+ ये गई, उसके बाद भाई दूसरे गियर में ये मैंने पहुंचा दी 70+, बट जो नेचुरल वॉइस थी वो हमें कट करनी पड़ गई। उसका रीज़न ये था कि भाई राहुल भाई की एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, उसने ना गाने लगा दिए, गाने लगाते ही उसने वीडियो स्टार्ट किया, मैं 15 सेकेंड से ज़्यादा डालूंगा तो कॉपीराइट बच जाएगा। तीसरे गियर में चेक करो भाई 100+ चलेगी है, अब देखते हैं भाई चौथे गियर में लास्ट टॉप एंड कितना जाता है। रोड बिल्कुल खाली थी यहाँ की भाई, मज़ा आ गया, राहुल भाई बोल रहा है भाई स्लो करो ब्रेक लगाओ, मौके पे नहीं लगेगी, पर ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ लगता है भाई। चौथे गियर में भाई हमने क्रॉस कर दी थी 140, जो कि भाई बहुत, और इसके 6 गियर हैं टोटल, तो भाई 2 गियर अभी भी रहते थे, 190-200 तो भाई आराम से जानी थी ये। 140 तो नॉर्मल है, पर 140 से ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ जो अभी बात बोलता हूँ।
तो भाई रिस्क नहीं लेना, किसी की गाड़ी है, गाड़ी किसी की क्या अपनी है, बट फिर भी रिस्क वाले काम नहीं कर लेना। चलो मोड़ क्या मुझे दो भाई। पहले ली हमने SUV 300 की टेस्ट राइड, और अभी भाई चेक करो राहुल भाई की धनोरानी अपनी ऑल्टो K10 चला रहे हैं भाई। भाई इसमें भी है पर उसमें भी है भाई, जो मर्जी को। लेकिन वो डीजल गाड़ी थी इसकी वजह से भाई वो बहुत ज्यादा दौड़ती थी। 140 मैंने आज पहुंचा दी इस रोड में नॉर्मल, बट इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ी है पुरानी गाड़ी। हाँ जाती है, राहुल भाई ने पूरी टक्कर दी भाई, 120 तक पहुंचाई थी, 120-130 ये भी गई थी, पर इसको अभी हम चलाएंगे आराम से, क्योंकि मेरे को ना आराम चलाने में मजा आता है भाई, वाइब लेते हुए जाने का। वो रेला देना वो तो भाई खाली हमने टेस्ट राइड ली थी इसलिए थोड़ा रेला दिया। टेस्ट राइड में किसी की भी लू रेला देता ही देता हूँ, वैसे वो जो मर्जी हो गाड़ी हो बाइक हो, पर अभी फिलहाल आराम आराम चलते हैं यार। तो बाकी एंजॉय करो भाई, नेचर का व्यू देखो भाई एक बारी ना, वो देखो मौसम कितना सेक्सी है भाई। हमें कुछ और मिल गया, हम आपको भी बताते हैं। हमें कोई भैया मिल गया वापिस जो हमारी गाड़ी के नीचे आने लगे थे, हम आपको बताते हैं वो भैया कौन है। चेक करो ये कौन आ गया हमारे गाड़ी के आगे वापिस। भैया जी राम राम, राम राम। चेक करो भाई कितनी सारी हो भाई, एक से एक तगड़ी बाइक आ रही है यहाँ पर। जय हिंद, जय माता दी, जय हिंद। चेक करो भाई, चेक करो एक बार, ओ भाई BMW सारी टॉप ही टॉप बाइक से भाई, यारन बाइक भी आई लास्ट में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये व्लॉग और जम्मू के सुचेतगढ़ का बॉर्डर? अभी तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस वगैरह हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले रोड ख़राब थी, अब 1-1.5 किलोमीटर तक थोड़ी ख़राब है, उसके बाद भाई बिल्कुल प्लेन रोड हो जाती है। और स्टार्ट पहले यहाँ पर परेड नहीं होती थी, खाली ऐसे ही जाओ घूम फिर के आ जाओ, अब परेड भी स्टार्ट कर दी है। तो अब भाई जो जम्मू से और शाम को थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो भाई जा सकते हैं और परेड का आनंद ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी होती है, मेरे को राहुल भाई ने बताया था। और अगर आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, बाय बाय।